नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको सजेस्ट करने वाले हैं तीन ऐसे ऑल्ट कॉइन्स जिनके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर आप ट्रेड करने की कोशिश करते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर भी, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है आने वाले वक्त के अंदर, आने वाले कुछ दिनों के अंदर। और आप सब लोगों को बिटकॉइन का अपडेट भी हम यहाँ पर देने वाले हैं कि बिटकॉइन का टारगेट क्या कुछ होना चाहिए, यहाँ से किस लेवल तक बिटकॉइन अभी जा सकता है, उन सब चीजों के बारे में जानकारी देंगे इसी वीडियो के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को ऐसे जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको फटाफट लेके चलेंगे सबसे पहले बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। ज्यादा बड़ा अपडेट नहीं देंगे, एक छोटा सा अपडेट देंगे बिटकॉइन का, फिर उसके बाद आपको तीन ऐसे ऑल्ट कॉइन्स बताने वाले जहां पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये है बिटकॉइन का चार्ट जो मैं आपको चैनल काफी दिनों से यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा करके जूम करके देखेंगे तो इस चैनल का ब्रेकआउट जो है वो हो चुका है, राइट। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ब्रेकआउट हो चुका है। अभी यहाँ पर ये चार घंटे के चार्ट पे रीटेस्टिंग हो रही है और उसके बाद यहाँ से रीटेस्टिंग अगर यहाँ से क्लियर होती है और यहाँ पर अगर बिटकॉइन का प्राइस अगर हम कहें 48,200 के ऊपर ही रहता है, राइट, या फिर अगर हम बात करें थोड़ा बहुत अगर और नीचे भी अगर आ जाए तो 47,500 के नीचे नहीं जाएगा बेसिकली, अगर तो उस सिचुएशन में यहां पर तो ऊपर ही जा सकता है। लेकिन आप सब लोगों को बता दिया कि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, 47,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए, राइट। तो फिर यहां पर ये ऊपर ही ऊपर जाना चाहिए और ज्यादा। अभी छोटी मोटी यहां पर करेक्शन है हल्की फुल्की सी जहां पर ये रीटेस्टिंग चल रही है, फिर भी यहां पर अगर हम बात करें तो 49,000 के बहुत ही नजदीक ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन और यहां पर ब्रेकआउट हो चुका है, तो उसके बाद अब ऊपर जाने की उम्मीद है। यहां पर जो फर्स्ट टारगेट जो ऊपर की तरफ मेरे को क्लियरली नजर आ रहा है वो यहां पर 51,600 का टारगेट या फिर 52,000 का यहाँ पर जो टारगेट है वो नजर आ रहा है 52,000 का, और उसके बाद मेरे को ऊपर की तरफ 53,700-800 के टारगेट जो है वो ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं, राइट। और भी फर्दर अगर हम बात करें तो आपको मैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि हमारे लिए जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 60,800 का है। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लियरली 60,800 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, वहां तक मार्केट जो है वो जा सकता है 700-800, 60,000 के ऊपर बेसिकली एक बारी राउंड लगाने बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है इन शॉर्ट टर्म, राइट। तो ये चीज है। और अगर बिटकॉइन अगर बुलिश है तो ऑफकोर्स ऑल्ट कॉइन्स भी बुलिश होने ही चाहिए। तो कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो कि आप सब लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे, तीन कॉइन्स ऐसे हैं जो कि आप सब लोगों को सजेस्ट कर देते हैं। पहला कॉइन है स्वाश, राइट, स्वाश यूएसडीटी पेयर के अंदर ये आपको कू कॉइन एक्सचेंज के ऊपर मिल जाएगा, राइट। और कू कॉइन एक्सचेंज के ऊपर आपको इसका जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 0.125, अपने हाई से ये बहुत ज्यादा गिर चुका है। आप ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो इसका प्राइस फर्स्ट डे जो था वो तो बहुत ही ऊपर चला गया था, लेकिन अगर हम सेकेंड डे के आसपास की भी बात करें तो $1 के आसपास था, देन धीरे 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 नीचे की तरफ आया, मार्केट भी क्रैश करी और अभी इस समय पे यहाँ पर जो है 0.125, मतलब कि बहुत ही सस्ते रेट पे मिल रहा है एकदम। और अगर हम यहाँ पे चार घंटे के चार्ट पे इसका चार्ट देखेंगे अगर, तो यहाँ पर RSI में हमको यहाँ पर बुलिश डाइवर्जेंस जो है वो नजर आएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है ये एक बुलिश डाइवर्जेंस बनते हुए हमको नजर आ रही है, और यहाँ पर जो प्राइस मूवमेंट है प्राइस जो है वो यहाँ पर एकदम फ्लैट है, राइट। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं ये जो प्राइस है यहाँ पर एकदम इसी लेवल के ऊपर रुका हुआ है, दिस इज कॉल्ड हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। और यहां से अगर हम ऊपर की तरफ निकलते हैं तो जो मेजर रेजिस्टेंस होगा इसके ऊपर वो होगा यहाँ पे 16 सेंट्स का, 16 सेंट के आसपास एक रेजिस्टेंस होगा। अगर 16 सेंट के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है धीरे धीरे ऊपर की तरफ तो यहाँ पर हम 30 सेंट्स के प्राइस तक भी इसको देख सकते हैं। तो मतलब अगर हम यहाँ पर भी बाय करें 0.125 और 30 सेंट्स पे भी जाकर अगर इसको सेल करते हैं तो कुछ नहीं तो हमको यहाँ पर 2.5x हो जाता है, राइट, आने वाले टाइम के अंदर 2.5x हो जाता है। नहीं तो यहाँ पर ये जो एक और पॉइंट है जहां पर कि 0.25 यहाँ पर भी डबल भी हो जाता है, राइट। तो मेरे हिसाब से 2x से लेकर 2.5x तक के आसपास का प्रॉफिट जो है ये कॉइन दे सकता है आने वाले वक्त के अंदर। आप इस कॉइन के ऊपर थोड़ी सी नजर रखिए, अंडर वैल्यूड कॉइन चल रहा है इस समय पे, इस कॉइन को आप बाय कर होल्ड कर सकते हैं। अगला कॉइन जो मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करने वाला हूं वो है GRT, राइट। GRT काफी अच्छा लग रहा है इस समय पे, काफी समय से लोग इसके बारे में पूछ भी रहे थे कि क्या करना चाहिए, GRT का क्या करना चाहिए। तो मैं हमेशा से यही कहता हुआ आया हूं कि जब भी सही वक्त होगा उस समय पर इसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए मैं जरूर सजेस्ट करूंगा, और अभी यहां पर मुझे लगता है कि एक सही वक्त आ चुका है इस कॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर देने का।
और यहाँ पर काफी समय से इसके अंदर जो है वो एक कंसोलिडेशन लेवल पे जो है वो दिख रहा है, और आप देख सकते हैं क्लियरली कि इस जोन के अंदर, ये जो जोन है यहाँ पे इतना बड़ा जोन राइट, इसके अंदर अभी काफी समय से जो है वो ट्रेडिंग हो रही है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं कहूंगा कि इस कॉइन को अगर आप बाय कर होल्ड करना चाहें, क्योंकि यहां पर अभी जो है फिलहाल के लिए डेली लेवल पर न्यूट्रल है, लेकिन एमएसईडी जो है वो क्रॉस ओवर करके ऊपर की तरफ जा रहा है, अभी फिलहाल के लिए न्यूट्रल जोन में है। अगर एक लेवल और ऊपर चला गया यहां से जीआरटी तो और ज्यादा बुलिश हो सकता है, जो कि अगर हम यहां पे चार घंटे का चार्ट अगर देखें तो ऑलरेडी बुलिश जोन के अंदर आ चुका है। यहां पर ग्रीन अगर आप देखेंगे आरएसआई तो ग्रीन के अंदर आ चुका है, मतलब कि 60 के ऊपर आ चुका है, काफी लंबे समय के बाद यहां पे 60 के ऊपर आया है। तो मेरे हिसाब से यहां पर या इस कॉइन को बाय कर होल्ड करने में ही ज्यादा फायदा होगा। जीआरटी को आप बाय कर सकते हैं, यहाँ पर इसका प्राइस जो चल रहा है वो 70 सेंट्स के बहुत नजदीक चल रहा है राइट, 70 सेंट्स के आसपास आप बाय कर सकते हैं। इसके ऊपर जो एक जो रेजिस्टेंस रहेगी यहाँ पर ऊपर जाने के बाद वो रहेगी 1.65 के आसपास राइट, 1.65 भी अगर यहाँ पे से जाता है तो 2x से ज्यादा का हो जाता है यहाँ से राइट। तो यहाँ पर क्लियरली आपका पैसा डबल हो रहा है और उससे भी ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत जा सकता है। नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो होगी वो 1.95 के आसपास होगी, तो ये करीब करीब मेरे को लगता है कि यहां से कुछ नहीं तो 2.2 से लेकर 2.5x तक के आसपास का प्रॉफिट जो है वो दे सकता है जीआरटी कॉइन। अब अगला कॉइन जो आप सब लोगों को सजेस्ट करने वाला हूं वो कॉइन मेरा अभी भी फेवरेट है, और 2022 का मतलब कि नेक्स्ट ईयर का भी जो है वो एक हॉट पिक रहेगा कॉइन, और मैं उसको काफी अच्छे से बाय करने वाला हूँ। ऑलरेडी मैं काफी हद तक बाय कर चुका हूँ, उसको थोड़ा बहुत और बाय करके रखने वाला हूँ। कॉइन का नाम है SXP, कॉइन का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन ये मेरा एक हॉट पिक है अगले साल के लिए जो कि 2022 के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफी हद तक जो है ये यहाँ पर नीचे आया था पहले, फिर एक ऊपर की तरफ एक जंप लेने की कोशिश की थी, लेकिन फिलहाल के लिए काफी समय से काफी दिनों से यहाँ पर मार्केट गिरने के बाद कंसोलिडेशन में यहाँ पे चल रहा है राइट। अभी कुछ समय के बाद अगर हम देखें तो एक उछाल ले सकता है, जिसमें अभी फिलहाल के लिए जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1.55 के आसपास, $1.55, और ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो जो एक रेजिस्टेंस है वो 2.40 के आसपास है, उसके बाद एक और जो रेजिस्टेंस है वो $3 के आसपास है। तो $3 भी अगर ये गया तो पैसा तो हो जाता है सिंपल डबल, और ऊपर अगर हम और बात करें तो यहाँ पे 3.61 के आसपास यहाँ पे दिख रहा है, जो कि एक और रेजिस्टेंस मेरे को यहाँ पे दिख रही है। एंड देन धीरे धीरे करके नेक्स्ट ईयर तो ये काफी अच्छा प्रॉफिट दे ही सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से हमको एक 3.74 के आसपास की मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है, या फिर यहाँ पर $3 से लेकर 3.74 तक के आसपास की जो मूवमेंट है वो देखने को मिल सकती है। तो उसके ऊपर थोड़ी सी नजर रखनी है, यहाँ पर 2x से लेकर 2.5x तक का प्रॉफिट हमको आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है। तो ये सारे कॉइन्स हैं जो कि तीन कॉइन्स मैंने आपको सजेस्ट कर दिया है, स्वैश, जीआरटी एंड SXP राइट, तीन कॉइन्स हैं, यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। इन कॉइन्स को आप बाय कर होल्ड कीजिए, आने वाले वक्त के अंदर आपको काफी अच्छा मेजर जो है वो प्रॉफिट दे जाएंगे, और कुछ समय की बात है, कुछ समय के बाद तो काफी अच्छा यहाँ पर मार्केट हो ही जाएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे मार्केट अभी डिप में है, इस डिप का क्यों ना फायदा उठाया जाए, क्यों ना कुछ कॉइन्स को डिप में बाय किया जाए और उनको यहाँ पर शॉर्ट टर्म के अंदर या मिड टर्म के अंदर हमको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। आने वाले 15 से 20 दिन जो होंगे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, न्यू ईयर भी आ रहा है, ईयर एंड क्लोज है, क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस की रैली आ सकती है, तो यहाँ पर इन सब चीजों पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ताकि हमको आने वाले वक्त के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाए, क्योंकि यूजुअली एवरी ईयर इट्स लाइक कि क्रिसमस की एक रैली तो आ ही जाती है, लेकिन अभी तक वो रैली नहीं आई है। हो सकता है कि हमको शॉर्ट टर्म के अंदर ये जो रैली है वो शायद देखने को मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट अभी धीरे धीरे करके बिटकॉइन ने भी ब्रेकआउट दे दिया है, बाकी कॉइन्स भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स ऐसा हो सकता है कि क्रिसमस के आसपास हमको एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल जाए बिटकॉइन और ऑल्टकॉइन्स के अंदर। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ऑफकोर्स लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।